तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, द चैप्टर नेम इज कॉस सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरीज। ठीक सर, ये क्या है, क्या क्या इसमें सीखेंगे? कॉस सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरीज में फर्स्ट थिंग क्रिएटिंग कॉस्ट कैटेगरीज। क्या सीखेंगे सर? क्रिएटिंग कॉस्ट कैटेगरीज, कैटेगरीज कैसे क्रिएट होता है वो सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड वन एलोकेटिंग एलोकेटिंग कॉस्ट, वेरी गुड। उसमें क्या सीखेंगे सर? कॉस्ट सेंटर्स, एलोकेटिंग कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट कैटेगरीज। थर्ड नंबर ड्रिंग द कॉस्ट कैटेगरी वाइज। आप लोगों को लास्ट क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, अगर आप लोगों को कुछ आप ही लोगों को बताया था एक दूसरे, पहले थीम समझ लेते हैं सर चैप्टर का। एक है सर कॉस्ट सेंटर ग्रुप, और क्या है दूसरा? कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। इसको आप लोग इसके जो प्रीवियस चैप्टर है उससे कंपेयर नहीं, लिंक नहीं करेंगे नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। ठीक है सर, किसी भी चीज को दो लेयर में, टू लेयर्स में रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर ग्रुपिंग भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ कैटेगरी भी निकालना पड़ता है सर। जैसे जैसे इस चैप्टर्स में, इस प्रोजेक्ट में है, क्या है सर, दो टाइप्स के लोग हैं। एक है आपका मार्केटिंग स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, और दूसरा क्या है सर, दूसरा है प्लेस या लोकेशन। तो इस पे हमें दो टाइप्स की रिपोर्ट चाहिए। एक, कौन सा बंदा कितना सेल कर रहा है, मिस्टर ए कितना सेल कर रहा है, बी कितना सेल कर रहा है, सी कितना सेल कर रहा है, डी कितना सेल कर रहा है, एक ये रिपोर्ट चाहिए। और दूसरा कौन सा रिपोर्ट चाहिए सर, किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा, मतलब सेंटर एरिया वाइज भी रिपोर्ट चाहिए और पर्सन वाइज भी रिपोर्ट चाहिए। तो वहां पे क्या यूज करेंगे सर? कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। क्लियर? देखो क्या लिखा है, बाय यूजिंग कॉस्ट कैटेगरीज यू मे एलोकेट इन पैरेलल अ ट्रांजेक्शन टू मोर देन वन सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है सर? सोम आइसक्रीम, कौन सर? सोम, सोम गर्ल्स हॉस्टल नहीं, क्या है? सोम आइसक्रीम हैज टू सेल्स सेंटर, कितने सेंटर्स है सर? दो सेल्स सेंटर हैं एंड थ्री मार्केटिंग एक्सपर्ट। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ थ्री नहीं है सर, चार बंदे हैं। कितने हैं सर? राइट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फोर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और टू सेल्स सेंटर। क्लियर है? ओके सर। और फॉलोइंग इज देयर सेल्स रिपोर्ट, उनके क्या दिए हुए सर? सेल्स रिपोर्ट दिए हुए। क्रिकेट कर लिए सौम्या, इंडिया का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, टाइमिंग 2 बजे से, ओके ऐसा, तो कल अपन देखेंगे मैच। तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक कौन ला रहा है, समोसे कौन ला रहा है? थिएटर मैच बना रहा हूँ और आप लोग क्या लेना है? एक बंदा कोल्ड ड्रिंक लाओगे एक ग्रुप, और एक ग्रुप समोसे। ठीक है, मेरे लिए बस केवल एक पीस समोसे और एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक है ना। ठीक है, और आराम से हम लोग क्रिकेट देखेंगे। हाँ क्या, 4 बजे मैच तो स्टार्टिंग 2 बजे चालू हो जाएगा। अगर इंडिया बैटिंग पहले करेगी तो
अरे कैसे, हाँ तो जल्दी आ जाना आप लोग, ठीक है। और अरे मैं, आप जब आओगे तब कोई परमिशन थोड़ी ना लेना, जब आओगे तभी चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको साथ में आना, कोई दो लोग आ गया क्रिकेट देखना चाहता है। कल हमारे सौजन्य से, मतलब अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सौजन्य से क्रिकेट 12 बजे जितने भी मैच चालू होगा वो चालू हो जाएगा 2 बजे से, राइट। आराम से आप देखो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा, इतना तो बनता है ना, ठीक। सर इनके सेल्स रिपोर्ट क्या है, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और ये सेल्स सेंटर। सर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं, कौन कौन से सर? दामिनी, ओम प्रकाश, सोनू, तन्नू, ये चार बंदे हैं सर। और सेल्स सेंटर कौन कौन से हैं सर? मुंबई एंड पुणे। देखो हमें ये भी पता चल जा रहा है, दामिनी ने टोटल सेल कितना किया सर? 9000 का सेल किया। कितने सेल किया सर? 9000। ओम प्रकाश 10800, सोनू 12600, तन्नू कितना सेल किया सर? 8100। साथ ही साथ ये भी पता चल पा रहा है कि अंधेरी में कितना सेल किया ये। मुंबई में दो लोकेशन है सर, दो लोकेशन, अंधेरी एंड विले पार्ले, ये सब लोकेशन का नाम है। अगर आप लोकल ट्रेन अगर आप यूज किए होंगे मुंबई में तो वहां पे अंधेरी, विले पार्ले, राइट। और पुणे में कुछ भी सेल नहीं हुआ। हाँ, अच्छा मैं लंदन नाम नहीं डाला मैं। इसको रखते हैं, नहीं वन वे कन्वर्सेशन हो जाता है तो वीडियो देखने वाले को समझ में नहीं आता कि किस बात पे हंसी हुई किस बात पे। अच्छा एक वैधानिक चेतावनी है इस माइक को लेके, जैसे कल मेरे साथ घटना घटित हो गया था। 6 to 7 दो बच्चे न जाने क्या आपस में एज है सर, बात कर रहे थे आपस में, वो कुशाग्र और अब उनको ध्यान में नहीं है कि ये चीजें उनके माइक उनके सामने रखी, वो सब चीजें क्या हो रही है उसमें। वैधानिक चेतावनी है कि इस तरीके से, मतलब क्लास में जब घुसे तो इस चीज को अलर्ट रखें, ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी बातें कर दिए जिसमें वो रिकॉर्ड हो गया और वो मैं चेक नहीं करता हूँ, एज इट इज क्या कर देता हूँ अपलोड। नहीं वो हंस रहे थे जब माइक लिए तो ना, कुछ वो लोग कुछ कहना चाह रहे थे नहीं कह पा नहीं रहे थे, तब मैंने पूछा उनसे, तब बताया सर जी ऐसा कुछ बात नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही बात है। समझ पा रहे हो? वो लोग कब से हंस रहे थे तो मुझे डाउट हुआ, बोला क्या बात है क्या बात करके हंस रहे हो भाई, माइक तुम्हारे पास हो कुछ ऐसा ऐसा बात तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो हमें सर दो टाइप के रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, एक दामिनी मतलब कौन बंदा कितना सेल किया और किस एरिया में से। अंधेरी में टोटल सेल कितना हुआ सर? विले पार्ले में कितना सेल हुआ एंड पुणे में, और टोटल सेल कितना हो गया। मतलब हमें दो टाइप्स के, दो डायमेंशन में, टू डायमेंशन में रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, किस बंदे ने कितना सेल किया और किस एरिया में कितना सेल हुआ, किस एरिया में हुआ, किस बंदे ने। आजकल सोशल मीडिया में एक क्या बोलते हैं उसको, आप लोग सोशल मीडिया में एक चीज बहुत चला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ ट्रेंडिंग कुछ चला है, कका करावे ना ऐसा करके कुछ नहीं सुने आप लोग, मतलब हमारे गांव में आए हैं कका तो ये तो करावे ना ऐसा कुछ, भूपेश बघेल से कोई लड़का कुछ पूछ रहा है। हाँ ट्रांसफर में अलग अलग बन रहा है, मतलब वो कुछ पूछा है एक ही चीज है लेकिन वो अलग अलग पे उस पे वो बन रहा है कका ये तो आए है गांव तो इतना खराबे। यहाँ क्या लिखा, देयर आर टू डायमेंशंस टू दिस रिपोर्ट, फर्स्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल टोटल सर टोटल सेल्स डन बाई सोनू अक्रॉस द सेल्स सेंटर इज 12,000 से। एंड सेकेंड डायमेंशन रिपोर्ट क्या मिल रहा है, द रिपोर्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स सेंटर मतलब लोकेशन, राइट। फॉर द एग्जाम्पल टोटल सेल्स डन बाई द सेंटर इन अंधेरी इज 18,000। ओके
तो इस टाइप का टैली में हमें इस तरीके से सेटिंग करनी है कि इस टाइप की रिपोर्ट टैली हमें बता पाए। आ रही बात समझ में? यही चीज सीखेंगे सर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ एक कंपनी बनाए हैं सर जिसका नाम क्या है, शोम आइसक्रीम। ओके, एंड कंपनी के फीचर्स सर कोई सेटिंग करना है? यस, केवल एक सेटिंग करना है सर, दैट इज व्हाट, ये बिल वाइज एंट्री ठीक है। मेन सेटिंग से सर इनेबल कर देना है आपको क्या, क्या कर देना है, कॉस्ट सेंटर। ओके ठीक है सर। उसके बाद सर कैटेगरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैटेगरी। तो कैसे बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट, कोई भी मास्टर्स बनाना होता है तो किससे बनाते हैं सर, क्रिएट सो मोर कॉस्ट कैटेगरीज। तो टैली क्या पूछेगा कि आप नया बनाना चाहते हैं या ऑल्टर एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं, राइट? तो आप क्या करोगे सर, नया बनाओगे, क्या बनाओगे, नया बनाओगे सर। कितने कैटेगरी बनेंगे सर, कैटेगरी किस किस टाइप के हैं सर, दो कैटेगरी हैं, क्या है सर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड, दो ही टाइप के, दो कैटेगरी है ना, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिसमें मार्केटिंग वाले बंदे हैं और एक सेल सेंटर जिसमें एरिया का नाम लिखा है, तो ये कैटेगरी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कैटेगरी। ओके, फिर हम लोग सर कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर। सर कॉस्ट सेंटर में क्या बनाएंगे अपन, कॉस्ट सेंटर कौन है सर, ये लोग कॉस्ट सेंटर है, दामिनी, ओम प्रकाश, सोनू, तन्नु, मुंबई, अंधेरी, विले पाले, पुणे, ये सब क्या है, कॉस्ट सेंटर्स है, जिनकी ये जो पर्सन लोग हैं, ये इसकी कैटेगरी क्या है सर, मार्केटिंग, और ये जो एरिया है इसकी कैटेगरी क्या है, बस ध्यान रखिएगा मुंबई को प्राइमरी के अंडर बनेगा और अंधेरी विले पाले किसके अंडर में था, राइट मतलब मुंबई में सर दो सेल सेंटर है, एक अंधेरी बोल के है और एक विले पार्क। फिर लेजर्स बना रहे सर, क्या बनाएंगे, अच्छा यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेन कैटेगरी है, मेन है ये, नहीं सिटी से मतलब नहीं है, जैसे मुंबई क्या है, प्राइमरी है, ये किसी के अंडर में नहीं है, प्राइमरी है। अब मुंबई एरिया, यस, पुणे किसी के अंडर में नहीं है, ये मेन है। जैसे संडी डेटर क्या है, ग्रुप है, लेकिन किसके अंडर में है सर, वो असेट के अंडर में है, लेकिन असेट जो ग्रुप बना हुआ है वो किसी के अंडर में नहीं है, वो कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी। सर टोटल 5 मेन ग्रुप है सर, असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, दीज आर द प्राइमरी ग्रुप। लेजर बना रहे हैं, इन टैली प्राइम बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स द कॉस्ट सेंटर वाइज एलोकेशन इज, यस बोला, जितने भी नॉमिनल अकाउंट मतलब समझते हो, नॉमिनल अकाउंट मतलब समझते हैं, यस बोलो, नॉमिनल अकाउंट मतलब, यस सर, थ्री टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को भी कहीं कहीं याद रखना पड़ेगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नॉमिनल मतलब इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट, कौन से अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो वही बोल रहा है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उसके लिए कॉस्ट सेंटर वाइज एलोकेशन क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट यस रहता है, ठीक है। वी डू नॉट विश टू एलोकेट द कॉस्ट सेंटर टू द परचेज लेजर। सर मतलब हम कॉस्ट सेंटर किसको एलोकेट करेंगे सर, लूप आइसक्रीम को करेंगे क्या कॉस्ट सेंटर, नो सर, ग्रेट आइसक्रीम, नो, मून आइसक्रीम बार, नो, पीके, नो सर, ये सब सर कॉस्ट सेंटर है, नो सर। हम किस चीज का रिपोर्ट निकाल रहे हैं सर, क्या निकाल, सेल्स का सर, किस बंदे ने कितना सेल किया, किस एरिया में कितना सेल हुआ, उसका क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट। तो किसके केस में अप्लीकेबल, मतलब कौन सी एंट्री में हमें कॉस्ट सेंटर डिटेलिंग चाहिए, सेल्स के लेकर, तो इसे क्या करना है, यस, लेकिन ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट सेल्स में भी रहेगा और परचेज में भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या करना है, नो कर देना, क्या करना है, क्योंकि हम परचेज की डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं सर, परचेज के केस में नहीं हो सकता है, हो सकता है, जैसे बहुत से जगह ना सेल्स करना इज अ वेरी
क्रूशियल टास्क, लेकिन बहुत से केसेस में परचेज इज वेरी क्रूशियल टास्क। तो जैसे जैसे मान लो मोबाइल का शॉप है, उस शॉप को परचेज करना ज्यादा मतलब इजी है या उसको सेल करना ज्यादा इजी है? सर परचेज इजी है, सेल टफ है। उसको बेचना इसलिए हर जगह क्या होता है सर, सेल का एक आपको आर्ट सिखाया जाता है, बेचने का कला होता है, सेल्स ट्रेनिंग चलती है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड है जहां परचेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जो स्क्रैप लेने वाला आता है वो बेचता है या खरीदता है? अभी ये दिवाली के समय में आ गया होगा, लोहा टीना प्लास्टिक ऐसा, तो वो बेच रहा है या खरीद रहा है? वो बेचना सब बेचे तो वो जब चाहे तब जाके बेच देगा, खरीदने के लायक। उसी तरीके से सर जो अनाज वाली मंडियां होती है वो खरीदना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लड़के लोग भेजते हैं जाओ गांव में जाओ और किसानों से अनाज खरीद के आओ। तो उस केसेस में अगर वैसा रिपोर्ट चाहिए, कौन सा बंदा किस एरिया में कितना परचेज किया, इन दैट केस सेल्स में नो रहेगा, परचेज में क्या रहेगा, यस रहेगा। आ रही बात समझ में? तो अपने को रटना नहीं है कोई चीज, कॉन्सेप्ट समझना ही चाहिए सर, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें क्या हो सकती हैं। अब आप लोग ये सीखे हो, मान लो ऐसी जगह आप काम कर रहे हो, लोहा टीना प्लास्टिक स्क्रैप, अरे हंसने वाली बात नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है सर स्क्रैप का। तो स्क्रैप के केसेस में तो वो मैनेजमेंट कौन सा टाइप का रिपोर्ट देखेगा सर? खरीदने का देखेगा, जो बंदा जितना खरीदेगा उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। आधी बात समझ रहे बात को? तो अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, अब सब्जी वाला बताओ, बेचने के लिए ज्यादा है या खरीदने के लिए? सब बेच सब्जी ले लो सब्जी। आज का सवाल सर, तो उसके केसेस में क्या करना होगा? अरे आजकल ये लोग बड़े होशियार हो गए हैं, जिससे आजकल झाला मकड़ा ये वो करने, प्लास्टिक लेने के लिए आजकल आजकल कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्या लगा रखे हैं? बस बस एक बार रिकॉर्ड करके वो चालू है, 100 में 2, 100 में 2, 100 में 2। बोले टू हैव एन ऑप्शन टू एलोकेट कॉस्ट सेंटर फॉर अ लेजर, क्लिक F12 कॉन्फ़िगरेशन सेट, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर टू यस एंड एक्सेप्ट द कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट द लेजर एज फॉलो। ओके, ये लेजर है, ये लाइन एक्चुअली ऊपर होनी चाहिए थी ये, ठीक है, ये लेजर हमने बनाया है। और कॉस्ट सेंटर अगर अप्लीकेबल ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो F12 से कर देना है, किससे कर देना है, F12। फिर अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट सेंटर ये लाइन ऐसे कर लेना आप लोग, ये इस पोर्शन को ऐसे करिएगा, और या यहां तक, और ये लाइन कहां हो जाएगा सर, इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ के बात को, इसके ऊपर की लाइन है। फिर यहां से आता है सर क्रिएटिंग यूनिट, सर यूनिट क्या बना रहे हैं, एल फॉर लीटर। फिर स्टॉक आइटम क्या बना रहे हैं सर, गोरिल्ला। ओके, फिर क्या बना रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ सैंपल डेटा, हो गया सर। परचेज क्या परचेज कर रहे हैं अपन, क्या परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सर 300 लीटर ऑफ गोरिल्ला सर एट द रेट ऑफ 100 rupees पर लीटर। ओके सर, क्या किससे परचेज कर रहे हैं सर, लूप आइसक्रीम। ओके, लूप मतलब समझते हो, लूप मतलब म्यूजिक के सिस्टम में देखा होगा आपने क्या होता है, यस, अगर आपने किसी म्यूजिक को लूप कर दिया तो गाना खत्म होगा फिर वो बजने लगेगा। हाँ? जैसे आप देख रहे हो ये हमने क्या किया है, यहाँ दिख रहा
ये दिख रहा है, ये वीडियो है एक्चुअली, इसमें क्रोमा लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये खत्म होता है, फिर ये क्या हो जाता है, लूप हो जाता है, मैं फिर ये चलना चालू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लूप। आइसक्रीम, तो हमको लगता है कि ये बेचने वाला आइसक्रीम इसलिए नाम रखा होगा कि बार बार खाओ, कंटिन्यूअस खाओ, ऑन क्रेडिट। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स एंड परचेज में जाएंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सर इसमें कुछ और डिटेलिंग जरूरत है? नो सर, सेल्स सेंटर में जरूरत है। किसमें है सर? सेल्स के समय जरूरत है, परचेज के टाइम हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं देखनी। ये स्टॉक आइटम वगैरह डाल दोगे, इट्स ओके, ये नॉर्मल एंट्री होगा सर, राइट? ओके, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 42.5 लीटर ऑफ गोरिल्ला नोइला वाज सोल्ड फॉर कैश 200 लीटर, द सेल्स डन बाय। अब जब भी सेल होगा तो हमें डिटेलिंग चाहिए, किस बंदे ने बेचा और किस एरिया में बेचा गया सर। दामिनी ने सेल किया है, फ्रॉम कहाँ, विले पार्ले, वर्थ रुपीज 1000, विले पार्ले। दामिनी ने बेचा विले पार्ले में 1000, ओम प्रकाश ने विले पार्ले में बेचा कितना सर, 4000, एंड सोनू ने सर अंधेरी ब्रांच। कहाँ एंट्री करेंगे सर? सेल्स वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। जैसे ही आप सेल्स अकाउंट क्लिक करोगे, ये आइटम आ गया सर, आइटम वाइज डिटेल डालोगे, एंड देन ये एलोकेट करना, ये ऑप्शन इंटरफेस देखने को। अब यहाँ पे पहले कॉस्ट कैटेगरी में क्या लिखेंगे सर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ दामिनी, ओम प्रकाश, सोनू, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स सेंटर, विले पार्ले में जितना बिका है, ये अंधेरी में जितना बिका है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया 8.5-8.5, मतलब 17,000, एक्चुअल में क्या है ये 8.5,000 ही है। दो टाइप्स की रिपोर्ट चाहिए, इसलिए दो चीजें हम लिख, आगे बात समझ में। और उसके बाद आपका सेल्स बिल इस तरीके से दिखेगा, टोटल एंट्री कितने से हुई है, 8000, जिसका बाइफरकेशन दिख रहा है, इस बंदे ने इतना, इस बंदे ने इतना, इस एरिया में इतना, इस एरिया में इतना, इसका टोटल भी 8500 और इसका टोटल भी 8000। सारी बात समझ में, यही रिपोर्ट में तो चाहिए अपने को, किस बंदे ने बेचा, कहां बिका सर, तो क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है वहां पे, सेम प्रोसेस सर। 5 लीटर गोरिल्ला वनीला 200 रुपीज पर लीटर, 2 पीके आइसक्रीम बार बाय सोनू फ्रॉम विले, सेम प्रोसेस, पीके आइसक्रीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसके बाद स्टॉक आइटम वगैरह डालेंगे, क्योंकि वो वाला इंटरफेस यहाँ मैंने स्क्रीन पे नहीं किया है, सेम इंटरफेस ओपन होगा। पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे सोनू, एंड फिर नीचे सेल्स सेंटर सेलेक्ट करेंगे विले पार्ले 9000। अच्छा यहाँ पे हुआ है, ये इमेज ऊपर आना चाहिए, आ रही बात समझ में, ओके। तो ये देखिए ये वाला इमेज, अगर आप चाहते हो तो काट सकते हो सर, ये इमेज रिपीट हो गया, ये इमेज रिपीट हो गया, यू कैन क्रॉस आउट, इस इमेज को क्रॉस कर दीजिए सर, या ये वाले पोर्शन को काट सकते हैं, यहाँ तक के पोर्शन, ये ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखेगा, राइट? एंड इसके बाद सेम प्रोसेस, अब ये कंटिन्यूअस वही चीज है सर। यहाँ पे सेल हुआ है कितना, 40 लीटर, क्या सेल हुआ है सर, गोरिल्ला वनीला आइसक्रीम। खाए कि नहीं है ये आइसक्रीम? नहीं नहीं है, सुने ही नहीं हो, अरे समता कॉलोनी में जाओ या तेली बंधा सामने जाओ, वहां बोलो भैया हमको गोरिल्ला वनीला आइसक्रीम खाना है। अरे कई आइसक्रीम बार है वहाँ, हाँ नेचुरल फेस, ये वो तो, अरे आप लोग खाए भी हो देखे भी हो, लेकिन होता है नाम नहीं, नाम नहीं। या उसका नाम कुछ और रखा है, गोरिल्ला देखे हो कि नहीं सर, देखो जामुन वाला फल देखे हो ना, जो हल्का डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर होता है, जामुन ही खाया तो उसका कलर जानते हो ना, दैट इज वही कलर गोरिल्ला का होता है। और वनीला सर,
हाँ वही डार्क पर्पल, यस। गोरिल्ला का कौन सा कलर होता है सर? हाँ सर, सर सर बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं खिलाना, लेकिन ये ठंडी जो है आपकी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए। ब्लैक करंट का वही कलर आता है? हाँ ब्लैक करंट का, हाँ हाँ हाँ, ब्लू बेरीज डार्क पर्पल कलर सर, ये गोरिल्ला का होता है। और वनीला नेट पे देखे क्या, शायद दिख जाए, नेट पे देख लेते चेक करते हैं। शायद दिख जाए, चीजें जानना जरूरी है। ओए गोरिल्ला आ गया, हाँ हाँ ये लिखा है ना, गोरिल्ला एंड वनीला स्किन सर। गोरिल्ला हल्का ब्लू, डार्क ब्लू, और वनीला हल्का लाइट क्रीम कलर सर। ये वनीला कलर है सर, ये वनीला गोरिल्ला राइट। तो आप लोग खाए होगे, मतलब ऐसा फेस वाला नहीं सर, इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन, पर्पल कलर एंड वन। हाँ This is गोरिल्ला कलर का होता है, इसका नाम गोरिल्ला हुआ, गोरिल्ला कलर। ठीक, इंडिया मैच अगर जीत गया तो मेरी तरफ से आप लोगों को क्या है, आइसक्रीम, डन। चलो समोसे और कोल्ड ड्रिंक आपकी तरफ से, और इंडिया अगर जीत गया कल की मैच में तो आइसक्रीम। हाँ क्या मैटर करता है ये मैटर। ठीक सर, सेल किया सर, ग्रेट आइसक्रीम टू सेल्स अकाउंट, सेम प्रोसेस अडॉप्ट करना है सर एवरीवेयर। दामनी ने बेचा, अंधेरी ब्रांच, एक से ज्यादा बंदा होता तो यहाँ दोनों बंदे का नाम होता। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सेंटर वाइज कॉस्ट एलोकेशन फॉर द फर्स्ट स्टॉक आइटम गोरिल्ला वनीला विल बी शोन, ओनली वन स्टॉक आइटम इज सोल्ड, प्रेसिंग एंटर विल शो द वाउचर्स। ओके फिर सेम प्रोसेसर, बार बार ही एंट्री रिपीट हो रही, बार बार क्या हो रही है, एंट्री रिपीट हो रही है सर, सेम प्रोसेस वही है सर। ओम प्रकाश ने बेचा, अंधेरी ब्रांच में बेचा, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब रिपोर्ट्स देखते हैं सर, कैसा रिपोर्ट देखने को मिलेगा और कौन सा रिपोर्ट देखने को मिलेगा सर। बोला रिपोर्ट्स फॉर अ समरी रिपोर्ट्स ऑन द कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी समरी, प्रेस F12 या क्लिक F12, कॉन्फिगर एंड सेट, एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट टू यस। नाउ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड द सेम रिपोर्ट वी आर आस्किंग फ्रॉम द टैली सर, क्या किस बंदे ने कितना सेल किया, किस एरिया में कितना सेल हुआ, यही चीज चाहिए ना अपने को, ये टैली हमको रिपोर्ट। बिंदी अटेंड कर रहा हूँ क्या, अभी आए, अभी क्लियर है, क्लियर है सबको, एंड दिस इज असाइनमेंट फॉर यू।
चॉकलेट जंक्शन हैज थ्री सेल्स सेंटर, सुंदरपुर, एमजी रोड एंड पुरानी बस्ती, एंड थ्री मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव अमित, सुमित एंड मोहित. क्रिएट द कंपनी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. ये सारा डिटेल्स है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाने से. और उसका आंसर भी यहाँ हमने दे रखा. सुंदरपुर एक्चुअल बनारस में है, ये सुंदर नगर है और वो सुंदरपुर. मैं ज्योति मैडम का घर वहीं है, बनारस में सुंदरपुर एरिया में है. इसलिए मैं बोलता हूँ उनको कि सुंदरपुर से चल के सुंदर नगर एक सुंदरी. बन जाएगा सर, हो जाएगा, सिंपल है सर, क्या है, बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत. तो सर अगर इसको क्रक्स करें सर इस चैप्टर को, तो क्या करना है, इस चैप्टर का यूज कब करना है, जब आपके पास मोर देन टू डायमेंशनल रिपोर्ट चाहिए सर. नंबर वन, लाइक कौन से बंदे ने कितना सेल किया और किस एरिया में कितना सेल किया. इसी तरीके से इस टाइप का भी रिपोर्ट हो सकता है, कौन से बंदे ने कितना परचेज किया, किस एरिया में कितना परचेज. उसके लिए क्या करना होगा सर, कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना होगा, कॉस्ट कैटेगरी बनाना होगा. कैटेगरी दो टाइप्स के बनेंगी सर, जैसे सेल्स भी हो सकता है, परचेज केस में परचेज सेंटर हो जाए एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाएगा सर, राइट. और जब हम लेजर बनाएंगे तो कौन से लेजर में कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल करेंगे सर, सेल्स के, केवल और केवल सेल्स, राइट. क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट देखना है, किसका देखना है, सेल्स का रिपोर्ट बस. अब जब हम एंट्री करने जाएंगे तो हर एंट्रीज में सेल्स के केसेस में हर एंट्री में क्या हमें बताना पड़ेगा सर, प्राइमरी कैटेगरी, मतलब दोनों कैटेगरीज वाइज हमें वहां पे क्या करना होगा, फीड करना पड़ेगा. आ रही बात समझ में, क्लियर है. फिर हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमें इस टाइप से रिपोर्ट देखने को, क्लियर. आज यहीं क्लोज करते हैं.